इस बजट से अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आम इंसान के घर का सपना भी इसी बजट से पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाला जो होम लोन है उसको भी मुझे लगता है इस बजट में 2 से 3 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाना चाहिए। ऐसे डेवलपर्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं उन डेवलपर्स को मिलने वाली इनकम टैक्स की छूट को भी अगले 2 से 3 साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। और एक ऐसा और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो GST के रूप में आज हमारे कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, मुझे लगता है उसके अंदर भी रियायत की ज़रूरत है।